नमस्कार मित्रों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहां से मोहर लगने के बाद राज्यों की सहमति लेके ये एक ऐतिहासिक अधिनियम बनेगा। इसके फायदे नुकसान लागू हो पाएगा या नहीं होगा, राजनीतिक दलों की सरकार की क्या मानता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शामिल हैं देश विदेश के प्रख्यात समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री, इनसे अलग अलग हम पूछते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले विनोद रस्तोगी जी से, फिर महेश शुक्ला और फिर SP शुक्ला जी से। आज मेरे साथ हैं सतना शासकीय PG कॉलेज के प्रोफेसर विनोद रस्तोगी जी, समाजशास्त्री हैं। आज इनसे हम पूछते हैं क्योंकि कल ही राज्यसभा में भी महिला शक्ति वंदे अधिनियम पारित हुआ है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को नेतृत्व में स्थान देने के लिए। इनकी राय क्या है इस बारे में, ये हम उनसे पूछेंगे। रस्तोगी जी, आप बताइए, ये जो अधिनियम अभी लागू हुआ है, हालांकि बहुत लंबे समय से चल रहा था, 1996 से, अब जाके पारित हो पाया है। लोकसभा में 99% और राज्यसभा में 100% इसके पक्ष में वोट डले हैं। अब आप इससे क्या समझते हैं, कुछ बदलाव होगा या सिर्फ एक चुनावी जो जुमला कहा जाता है, ये चुनावी जुमला है, महिलाओं को उनका हक मिलेगा अभी कि या नहीं मिलेगा? मित्रों नमस्कार, जहाँ तक महिला के नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हो, विधेयक की बात करते हैं, ये तो अपनी जगह है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भारतीय समाज और संस्कृति में महिलाओं की जो स्थिति थी, जिसके लिए भारत की सर्वत्र और हमेशा आलोचना हुआ करती थी, आज सही मायने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की नारियों को एक सही स्थान और पूरे विश्व में उन्हें सर ऊंचा करके जीने की आज़ादी दे दी। आप भारत ही क्यों, विश्व के आप लगभग सभी विकसित देशों में, जहाँ पर कि भारत अभी भी कहीं 33% उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इवन अमेरिका में भी नहीं है, भारत ऐसा पहला राष्ट्र होगा जहाँ पर कि 33% महिलाएं भारत की जनसंख्या की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में होगा। आज महिलाओं के संदर्भ में जितने भी कानून और विधेयक बन रहे हैं, उन विधेयकों में महिलाओं की अपनी भागीदारी होगी, अपनी हिस्सेदारी होगी, और उस हिस्सेदारी से महिलाओं की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसमें सुधार। जहाँ तक नेतृत्व की बात है, यह नेतृत्व बेहद आवश्यक था, केवल राजनीतिक ही नहीं, इससे उनकी सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि होगी, सहभागिता और सामाजिक न्याय का जो अवधारणा है, उस अवधारणा की पूर्ति भी नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से हो पाएगा। और मैं पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उन सभी लोगों को जिन्होंने राज्यसभा लोकसभा में इसका प्रचंड समर्थन किया, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि शायद भारत में पहली बार एक ऐसा नए संसद भवन में कदम उठाया गया जिससे कि भारत की एकता और जो भिन्नता थी, उस भिन्नता में भी एक समानता और महिलाओं के सम्मान की बात सामने आती है। तो मुझे लगता है कि यह विधेयक एक माइलस्टोन चेंज होगा, एक क्रांतिकारी कदम है जिसका स्वागत हम सबको तहे दिल से करना चाहिए। हमारे साथ हैं TRS कॉलेज के समाजशास्त्री डॉक्टर महेश शुक्ला जी। अब इनसे पूछेंगे, महिला आरक्षण जो लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार का दिखावा है या हकीकत, और हकीकत है उससे क्या फ़ायदा होगा, तो इस पे महेश शुक्ला जी के विचार जानते हैं। बताइए महेश शुक्ला जी। नमस्कार, महिला आरक्षण के संबंध में आपने बात की है। वास्तव हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है, और ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी कि महिला आरक्षण हो और उन्हें भी लोकतंत्र में बराबरी का हिस्सा मिले। जब स्वीडन में और दूसरे देशों में इस तरह की बातें हो रही हैं और ये दर्जा मिला हुआ है, तो फिर हमारे यहाँ ये क्यों नहीं? लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे जो दिग्गज थे, जिनको ये आशंका थी कि हाँ
हमारी सीट प्रभावित होगी वो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि चलो देर से आए दुरुस्त आए, महिला आरक्षण पारित हो गया। अब ये दिखावा है या झुंझुना है ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है तो निश्चित है ये कि आने वाले समय में ये आरक्षण लागू होगा और महिलाओं को भी लोकतंत्र में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और इससे वीमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये दिखावा नहीं है। हो सकता है इसको पारित करने में या आगे से जैसे भी बात की जा रही है कि 2029 से लागू होगा, तो 2029 से अगर पहले ही ये लागू हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। 2029 तक तो बहुत सशक्त हो जाएंगी और एक नई तस्वीर हमारे लोकतंत्र की देखने को मिलेगी। अच्छा, जैसा आप बोल रहे हैं 2029 से लागू होगा जो अभी संभावना व्यक्त है, क्या सभी राजनीतिक दल, जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होना है तो मध्य प्रदेश में 76 सीट, 220 जो विधानसभा है उसमें 76 होंगी और लोकसभा में 29 में से 10, तो क्या दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने 76 और 10 प्रत्याशी खड़े नहीं कर सकते हैं? कानून बनने के बाद में निपटारा हो अलग से, जैसे आपके रीवा से महिला दे दें, जौलपुर से महिला सीट हो जाए, विधानसभा में 2 सीट जौलपुर से, 2 रीवा से, 2 ग्वालियर, 2 इंदौर, ऐसे अगर सभी ये दोनों राजनीतिक दल करें तो ये संभव नहीं है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल संभव है, दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक महिला आरक्षण तो हो जाएगा, लेकिन महिला सीट पर भी दलगत चुनाव होंगे, हर पार्टियाँ खड़ी करेंगी अपने कैंडिडेट और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सर्वसम्मत से महिलाओं को वहाँ किसी महिला को चुन लिया जाए, ऐसा तो संभावना बहुत कम दिखती है। मतलब अभी भी आप मान रहे हैं कि आम सहमति नहीं है राजनीतिक दलों में? हाँ, राजनीति नहीं, आरक्षण तो होगा, लागू होगा, लेकिन सीट फ्री छोड़ेंगे ये बहुत मुश्किल है। जहाँ पे आरक्षित सीट होगी वहाँ भी दल अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगी और उनकी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक सीटों को वो जीते। चलिए, जैसे आपकी विधानसभा है जिसमें आपका आप वोट डालते हैं, वहाँ अगर महिला कैंडिडेट हो और बाकी पुरुष हों तो आप किसको देंगे वोट? अब वो तो समय बताएगा, मैं तो महिलाओं को ही, अगर महिला पुरुष कैसे होंगे वहाँ तो महिला। नहीं नहीं, अभी तो लागू नहीं हुआ ना, नियम बनेगा, पर अभी इस चुनाव में मान लीजिए किसी एक राजनीतिक दल ने महिला कैंडिडेट को टिकट दे दिया, बाकी 2-3-4 या निर्दलीय सब पुरुष हुए, तब आप किसको देंगे वोट? नहीं तो जो वो तो देखिए, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे कई पैरामीटर होते हैं, कौन किसने रीवा के लिए काम किया है या आने वाले समय में कौन रीवा को एक नई दृष्टि दे सकता है, नई ऊर्जा दे सकता है, वो ये सारी चीजें हम देख करके। क्यों महिला कैंडिडेट नहीं दे पाएगी? नहीं, अगर महिला कैंडिडेट अगर हुई, महिला कैंडिडेट अगर सशक्त है, अच्छी है, तो निश्चित है कि हम उसको सोचेंगे कि पूरी तरह से हमारी उनके प्रति झुकाव रहेगा और हम उनको मत देंगे। अगर वो सशक्त है, ऐसा है कि हाँ इनसे बहुत सारी योजनाएं, भविष्य की जो सारी योजनाएं हैं वो बहुत ही क्रियान्वित होंगी और रीवा को एक नई दृष्टि देंगी, नई ऊर्जा देंगी, तो निश्चित है हम उनको चुनेंगे। आपके महाविद्यालय के प्राचार्य भी तो महिला है, क्या वो सशक्त नहीं है? बिल्कुल सशक्त है, सशक्त न होती इतने बड़े कॉलेज में कैसे चलाते। चलिए, ये है महेश शुक्ला जी जो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जल्द ही लागू होगा महिला आरक्षण और ये महिलाओं के को पूरा सहयोग देने के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है। आरएस कॉलेज के राजनीति शास्त्र के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर एचवी शुक्ला जी, विषय राजनीतिक है पर इसको ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझाएंगे। शुक्ला जी, जो महिला विधेयक पास हुआ अधिनियम अभी, कल राज्यसभा से 100% और परसों 99.9% लोकसभा से, अब महिला राष्ट्रपति है, उन्हीं की मोहर लगना है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जहाँ तक विधेयक का प्रश्न है, महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और लंबे समय से एक जेंडर इक्विटी की जो बात चल रही थी समाज में, जेंडर समानता की बात चल रही थी, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष किस प्रकार से लाया जाए और उनके बीच में जो लैंगिक विभेद है उसको किस प्रकार खत्म
तो राजनीति के क्षेत्र में यद्यपि जो है अन्य क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के समकक्ष खड़ी हो रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में एक अभाव था, एक शून्यता थी, उसको भरने की कोशिश की गई है। अब राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं आएंगी और उनके अंदर जो नेतृत्व कौशल है उस नेतृत्व कौशल को व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी। आने वाले भारत के भविष्य के लिए ये एक अच्छा संकेत है, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की अधिकारिता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पर ऐसा तो नहीं होगा खाली विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी और जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो मंत्रिमंडल में वही पुरुषों की सत्ता रहेगी, मुख्यमंत्री पुरुष रहेंगे, प्रधानमंत्री पुरुष रहेंगे? कुछ प्रश्न ऐसा होता है जो जिसको भविष्य पर छोड़ देना चाहिए, ये भविष्य के लिए प्रश्न है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि लोकसभा में बहुत सारी महिला नेत्री थी जिन्होंने बहुत अच्छे पदों पर पदों को सुशोभित किया है और उन पदों को गौरवान्वित भी किया है। अगर सुषमा स्वराज को हम देख लें, विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर कार्यकाल था, तो अगर उनमें क्षमता है, उनकी क्षमताएँ निखर के आती हैं, तो निश्चित रूप से उनको मंत्रिमंडल में भी लिया जाएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी वो चुनी जाए या उन पर आम सहमति बने लोक सदन की। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये केवल राजनीतिक मोहरा ही बनकर रह जाएगा। आने वाले समय में महिलाओं के लिए एक खुला क्षेत्र है और इसमें महिलाएं निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में आगे आएंगी और एक गौरवपूर्ण गौरव प्रदान करेंगी उन पदों को जिन पदों